सीरीज चल रही है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? कह रहे हैं कि एक सेट है ए, इसमें तीन एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, ठीक है, तो कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएंगे? तो देखिए, पहले तो नॉर्मल आप इसको इस तरीके से अगर सॉल्व करते हैं, चलो तीन है तो मान लिया गया, सिंपल है, आप लोग थोड़ा लॉजिक लगा के बना सकते हैं। जैसे एक इक्विवेलेंस रिलेशन आप ये बना सकते हैं, रिलेशन को आर से दिखा दिया, आप ये दिखा सकते हैं 1, 1, 2, 2 और 3, 3, क्योंकि हमको पता है जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है वो इक्विवेलेंस होता है। एक तो आपने ये बना लिया, ऐसे आप एक और बना सकते हैं क्या, 1, 1, 2, 2, 3, 3 और मैं ले लेता हूँ, मान लो मैं लेता हूँ, मान लो 2, 3 और 3, 2, क्या बात बन जाएगी? ठीक है। अब लेकिन प्रॉब्लम यार कि क्यों सर, अब कब तक बनाएंगे? चलो यहाँ तीन तक ठीक है, यहाँ तक तीन एलिमेंट से तो चलो एक समय को लॉजिक लगा के आप बना सकते हो। अब आएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अब आपको उनका फॉर्मूला पता होना चाहिए, लेकिन ये फॉर्मूला एनसीईआरटी किसी बुक में गिवन नहीं, दिक्कत है, बट एग्जाम में आ सकता है आपके। तो अब देखो जरा, अब देखो ये कैसे होगा। एक मैथमेटिशियन थे बैली, उन्होंने बैली ट्रायंगल के नाम पर इसका बताया, तो बड़े सिंपल तरीके से आप बता सकते हैं, चाहे चार हो या दस एलिमेंट्स हो, आप बड़े प्यार से बता सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी ट्रिक है, आप देखिए, आपको एक सेकंड के अंदर आप करके आगे बढ़ो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 90 मिनट का टाइम है, तो ऐसे बनाओगे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। क्या उन्होंने बोला था कि वन ले लीजिए, अब दो वन अपनी तरफ से ले लो, ठीक है सर। हमको ट्रायंगल बनाना है, तो ट्रायंगल के लिए यहाँ या कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए, तभी ट्रायंगल बन जाएगा। तो इन दोनों का सम कर दो, कितना हुआ? ठीक है जी, क्या चमका? जो सबसे एंड में लिखते हो उसको फिर फर्स्ट पे लिख दो, जो सबसे एंड में लिखा उसे फिर टू में वन ऐड करो, थ्री, थ्री में टू ऐड करो, बोलो ना, बात समझ आ रही ना। अब सबसे एंड में क्या है, अब यहाँ पे क्या आएगा, 5 में 2 ऐड करो, 7 में 3 ऐड करो, 10, 10 में 5 ऐड करो, सबसे एंड में क्या आया, 15, 15 में 5 ऐड करो, 20, 20 में 7 ऐड करो, 27 में 10, 37 में 15 एंड सो ऑन, फिर ये 52 आएगा और ऐसे ही भैया चलता है। क्या कोई दिक्कत? बड़े प्यार से एक बार और समझाते हैं। सबसे पहले वन से स्टार्ट किया, अब जो मैंने क्या बोला, जो सबसे एंड में लिखा था उसको लिख दो, तो सबसे एंड में वन ही था, तो भैया हमने वन ही लिख दिया। वन हमेशा से ऊपर वाले को ऐड करते हैं, उसके एकदम ऊपर वाले, वन में वन ऐड किया, सबसे अब इस वाले लाइन में रो में सबसे एंड में क्या है, तो टू लिख दो। अब टू में वन ऐड करो, कितना होगा, थ्री, वो थ्री यहाँ पे लिख दो, थ्री में टू ऐड करो, कितना होगा, फाइव यहाँ पे, इस तरीके से। क्या कोई डाउट हुआ? अब देखिए, अब दोनों क्वेश्चन आपको ये कुछ नहीं करने की रिक्वायरमेंट है, ये तो बस मतलब बेसिक था, इसीलिए समझा रहा था, आप ऐसे भी कर सकते। अगर एक सेट दिया गया है ए, इसमें एलिमेंट कितने हैं, एक दिया गया है 1 और 2, एक दिया गया है 1, 2, 3 मान लो, ठीक है सर, और ऐसा नहीं 1, 2, 3 को एक दे दिया गया होगा, मान लो ए बी सी डी इस तरीके से, ठीक है, इसमें कितने एलिमेंट हैं, तो फर्स्ट में आंसर क्या है, 1, तो इसमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितने बनेंगे, बन। इसमें एलिमेंट कितने हैं, तो सेकंड रो में जाओ, सेकंड रो में सबसे एंड में क्या है, तो 1 और 2 से इक्विवेलेंस रिलेशन कितने बनेंगे, क्या चमका? इसमें एलिमेंट्स कितने हैं, अब थर्ड रो के सबसे एंड में जाओ, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा डियर, क्या चमका? अब इसमें कितने हैं, 4, अब देखो फोर्थ रो के सबसे एंड में जाओ, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, क्या चमका? चलिए, अगर ये तो चलो जिस बच्चे को नहीं पता है वैली ट्रायंगल, तो चलो थर्ड वाला तो वो कर सकता था लॉजिक लगा के। अब यार ये सोचो 15 बनेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन, कब तक बनाओगे? और आपको ये भी तो नहीं पता कि 15 हमारा करेक्ट होगा, दिमाग में आ रहा हो यार कहीं ये ना बन जाए, कहीं ये ना बन जाए, तो इसीलिए कुछ मत बनाओ, सिंपल सा ये ट्रिक याद रखो। मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट हो रहा होगा, कोई है तो बताओ, और ना ये दिमाग में लाना सर ये वन से ही क्यों स्टार्ट किया, ये सब ट्रिक्स होती है बेटा। बताओ, हाँ 10 हो ये ठीक है, पहली बात तो 3 से ज्यादा आने की कोई चांस है नहीं, मैंने तब भी आपको 10 अगर आ जाए 10 तो भैया बनाओ फिर, क्या करूं, अगर 10 आ जाए तो 10 रो तक बनाओ फिर इसको, लर्न कर। अब पक्का नहीं है ना कि ये क्वेश्चन आए भी, ये भी, ये भी, लेकिन जो जितने प्रीवियस क्वेश्चन या अदर्स बुक का मैंने देखा है, मैक्सिमम 4 तक मिलेगा आपको,
वन फर्स्ट तो एक तो अपनी तरफ से लिख दो, ठीक है। अब इस रो में सबसे एंड में क्या वन ही है तो वन लिख दो, फिर इससे ऊपर वाला ऐड कर क्या होगा टू। अब सबसे इस रो में सबसे एंड में क्या है तो टू यहाँ लिखो, इससे ये बना इस तरह चलता रहेगा, ठीक है। अब जैसे इनका क्वेश्चन है ना, क्या नाम इनका, अमृत का, कि सर टेन है यार, अंडरस्टूड के बाद टेन का नहीं देंगे, वो केवल आपको वो एक लॉजिक जानना चाहते हैं, लेकिन दे तो भैया बनाओ फिर इसे टेन तक, अगर आप नंबर चाहते हैं तो बनाना पड़ेगा आपको, कोई डाउट है बताओ बनाने में, तो बनाना पड़ेगा, इसमें कुछ वो नहीं है, तो देख लो कोई डाउट है तो बताओ, लिखो इसको। पवन कोई डाउट, चलिए देखते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन दिया है, ए में सेट, ए एक सेट है, इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 हमारे, और ये एक रिलेशन दिया गया है इस तरीके का, आर विल बी, आर क्या होगा, तो देखिए। अच्छा भैया कह रहे हैं कि अगर 1,1 ऐड कर दे इस रिलेशन के अंदर, तो अब ये रिलेशन क्या हो जाएगा, 1,2 तो पहले से था, 2,1 पहले से था, अब ये कह रहे हैं कि आप 1,1 ऐड कर दो, चलो भैया हमने ऐड कर दिया, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव हो गया, कत्ते ही नहीं। रिफ्लेक्सिव कब होता है, जब 1,1 2,2 3,3 होता, तो ये पक्की बात है ये गलत है, ये तो हो नहीं सकता। क्लियर है सर, चलिए कह रहे हैं 2,3 ऐड कर दो, चलो भैया 2,3 ऐड कर, क्या ये सिमेट्रिक है, 2,3 का उल्टा कहाँ है भैया, 3,2 भी होना चाहिए था, तो ये क्या है, ये सिमेट्रिक भी नहीं है। 1,1 ऐड कर देते हैं तो देखते हैं क्या ये ट्रांजिटिव है। अब देखो मजा तो अब बेटा है, हम लोग तो ले चुके मजे पहले, इनके लिए नया लेके, तो देखो अच्छा क्या 2 से खत्म हो रहा है, ये 2 पे स्टार्ट हो रहा है, तो 99% बच्चे इंक्लूडिंग मी 1,1 चेक करेंगे, तो 1,1 चेक किया भैया 1,1 है यहाँ पे, ट्रांजिटिव है फिर तो, ये ऑप्शन में भी हमको दिख रहा है तो ये ट्रांजिटिव होना चाहिए, लेकिन डियर हाँ माना कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, बट ट्रांजिटिव की जो सारी कंडीशन है वो इस पूल में होना चाहिए ना। क्या देखो अगर मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूँ, ये बताइए, क्या इसी चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2,1 पहले लिख दिया और 1,2 ऐसे लिख दिया, तो मुझे नहीं लगता कि आप कहेंगे सर ये गलत है, बिल्कुल नहीं है। कर्ली ब्रेसिस के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं ऑब्जेक्ट्स, और या इनको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट, इनको हम आगे पीछे कहीं भी लिख सकते, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ये। तो अब देखिए ये किस पे खत्म हो रहा है, स्टार्ट किस पे हो रहा है, तो 2,2 इसमें होना चाहिए था, तब ये रिलेशन जो है हमारा कंप्लीटली ट्रांजिटिव हो जाता है। हाँ इसे ऐड करने से ट्रांजिटिव हो रहा है, लेकिन अगर आप इसको बोलो कि आर इज ट्रांजिटिव, अगर आपने इसको ट्रांजिटिव बोल दिया तो ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए थी, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, यहाँ पे 2,2 होना चाहिए था जो कि नहीं है, तो ये भैया ट्रांजिटिव भी नहीं है। कह रहे हैं कि 3,2 ऐड कर दो, तो 3,2 ऐड करोगे तो 2,3 भी तो चाहिए था, तो ये भी नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा, लॉट फेर के नन ऑफ दीस। क्या चमका, इसमें कंफ्यूज मत हो कि सर ये आपने इसे आगे क्यों लिखा, इसे पीछे क्यों लिखा, लिख सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि ये कोई गलत चीज, गलत क्यों है, कॉमन सेंस वाली बात है, कर्ली ब्रेसिस ये हमेशा सेट को रिप्रेजेंट करता है, अगर किसी का आंसर ये है या फिर किसी का आंसर ये है, एकदम सही है। हाँ कभी ऐसा मत कर देना कि 1,2 को आप सोच रहे हो कि हम 2,1 लिख दें, ये गलत है, ऑर्डर्ड पेयर की इनकी लोकेशन चेंज नहीं कर सकते। हाँ इस पूरे को आगे पीछे आप लिख सकते हैं, तो 99% बच्चे ये गलत ये करके आते हैं, जबकि ये ऐसा होना चाहिए। चलो इस पे आ जाते हैं, इसको देखते हैं क्या ये कह रहे हैं कि भैया एक सेट है 1 2 3 और ये इसका रिलेशन दिया गया है, तो देखे करके देखते हैं, आर इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। पहले तो ये देखते हैं आर रिफ्लेक्सिव है क्या, 1,1 है जी, 2,2 है, 4 का, चलो भैया रिफ्लेक्सिव तो यहाँ तक तो हमारा ठीक हो गया। फिर कह रहे हैं सिमेट्रिक चेक करने का, तो बड़ा सिंपल, जो भी ऑर्डर्ड पेयर इनका उल्टा देखो, 1,2 का उल्टा 2,1 है इसमें, 2,1 है ही नहीं इसमें, तो ये सिमेट्रिक कैसे हो जाएगा फिर, तो इसका पहले हो जाएगा, फिर आगे हम जाएं क्यों, तो यही हो जाएगा, आर इज तो ये सिमेट्रिक है तो नहीं है ना फिर ये। अच्छा अच्छा ये कह रहा है, ओके हाँ ये कह रहा ना कि सही होना चाहिए ना, ओके एज हो गई क्या, हाँ चलिए ठीक है। अच्छा अब इस पे आते हैं, आर इज रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव है, ये बताएगा ट्रांजिटिव है, इसको देख के बताओगे, हाँ तो इसको देखो ना, इसको आर ट्रांजिटिव है कि नहीं है, दिमाग ट्रांजिटिव है कि नहीं है, है ट्रांजिटिव, यस सर, हाँ अमृत
है तो चल देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं ट्रांजिटिव का वही फंडा है भैया। हाँ हाँ ये निकालेगा कुछ ना कुछ इसमें कमी बाबू निकाल है सोचना इसमें क्या है देखते ना है सर, है। कोई बात नहीं बेटा किस पे खत्म हुआ स्टार्ट 1.2 कहाँ है हमें नहीं दिख रहा ये रहा भैया ठीक है और कोई 2 से स्टार्ट हो रहा है कोई नहीं स्टार्ट इसका खेल खत्म। अब देखो ये 2 पे खत्म कोई दिक्कत नहीं 2.1 है इसमें कहाँ है 2.1 2.1 का है इसमें देखो ये किस पे खत्म हो रहा है और कोई 2 से स्टार्ट हो रहा है नो सर क्यों ऐसी ऐसी परेशान हो रहे हो है सर ठीक है ये किस पे खत्म हो रहा है 1 पे ये 1 से स्टार्ट 1.2 है 4 पे 3 1.3 है हाँ जी बिल्कुल है 3 पे खत्म हो रहा है 3 से स्टार्ट 3 सही तो है ये तो ये हो जाएगा और रिफ्लेक्सिव और क्या है सिमेट्रिक नहीं है एकदम सही बात है ये। अब देखो अब जब ये सही हो गया ना नन ऑफ दीज वगैरह कहीं है नहीं इस पे तो क्यों आगे में बुद्धि मारोगे सीधे निकलो आगे। अगर ये सही हो गया अब देखो बोर्ड ने अगर ऑप्शन गलत दिए होते तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं ये आपको पता है ना क्या पता ये भी सही हो बाई चांस ये भी सही हो तो आप इसी पे टिक टिक करके आओगे ना अगर क्वेश्चन गलत है बोर्ड वाले आपको फुल मार्क्स देते हैं अगर आपने अटेम्प्ट किया तो अटेम्प्ट नहीं किया तो नहीं दे नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो आप लोग तो सारे अटेम्प्ट करके आओगे जय माता डी डी आए तो डी पे कर देना यही चलने वाला है बंस हाँ और बिल्कुल आ जाइए आप समझ रहा देखो छोड़ छोड़ जा आर भैया एक रिलेशन है ऑन जी जी बोले तो इंटीजर इंटीजर पे एक्स और वाई दोनों इंटीजर पे और ऐसा आपको रिलेशन बनाना है कि इनका भैया जो डिफरेंस करे ना वो 1 के बराबर आए या 1 से छोटा है तो एक बात सुनो यार जरा इंटीजर तो इनफाइनाइट होते हैं माइनस में भी होते हैं प्लस में भी होते लेकिन इंटीजर कभी पॉइंट्स में नहीं होते मैं कई बार बताया वीडियो में कि नेचुरल नंबर होल नंबर इंटीजर को जी से रिप्रेजेंट कर दो या आई से कर दो ये 3 ऐसे नंबर है जो कभी पॉइंट्स के फॉर्म में नहीं होते तो आपको क्या करना है एक्स और वाई दोनों की जगह इंटीजर रखना है और ऐसा कि भैया उनका जो आंसर हमेशा या तो 1 के बराबर है या 1 से छोटा है तो फॉर एग्जांपल अगर आप कहेंगे सर 2 इंटीजर है हाँ जी आप कहेंगे सर 4 इंटीजर है हाँ जी तो क्या ये ऑर्डर पे इसमें एग्जिस्ट करेगा देखते हैं एक्स की जगह रखो 2 भैया ये कंडीशन 2 नहीं हो रही है ना तो हम केवल ऐसे ही लेंगे कि जिसमें ये कंडीशन ट्रू हो जाए किसी भी नंबर को अगर खुद से माइनस करोगे हमेशा आंसर क्या आएगा 1 से कमी आएगा मतलब 0 ही आएगा तो ये तो पक्की बात है कि रिफ्लेक्सिव होगा रिफ्लेक्सिव होगा और अगर सुनो जरा 1.2 कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो भैया 2.1 भी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा क्योंकि मॉडुलस लगा हुआ मेरे भाई मतलब कोई भी ऑर्डर्ड पेयर अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो उसका उल्टा करोगे तो भी सेटिस्फाई करेगा क्योंकि ये हमारे पास मॉडुलस है मॉडुलस में माइनस प्लस कुछ होता ही नहीं आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है ठीक है सर तो ये क्या होगा सिमेट्रिक भी होगा अब ट्रांजिटिव में नहीं हो सकता ठीक है तो ट्रांजिटिव में नहीं हो सकता इसका आंसर क्या होगा बोथ क्या चमका जैसे ट्रांजिटिव का देखा क्यों नहीं हो सकता देखते अच्छा 2.3 कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है 3.4 कर रहा है तो क्या 2.4 करेगा नहीं करेगा ना एक एग्जाम्पल बस आप दिखा दो मतलब करोड़ों एग्जाम्पल ऐसे हैं कि ये ट्रांजिटिव होगा एक दिखा दो केवल आप ऐसा है कि ये ट्रांजिटिव नहीं होगा तो भैया वो ट्रांजिटिव नहीं होगा फिर तो इसका आंसर क्या होगा बोथ ए एंड डी मतलब ये दोनों ही आंसर एकदम ठीक है क्या चमका अच्छा जी इसको देखते हैं एक सेट है एलिमेंट है 1, 2, 3 एक रिलेशन है 1.2 ठीक है 1.2 का केवल भैया रिलेशन और किसी से नहीं है अब बताइए कौन सा रिफ्लेक्सिव कोई दूर दूर तक सोचो ही मत क्यों नहीं है भैया रिफ्लेक्सिव क्या बोलता है जितने एलिमेंट्स है वो खुद से कम यार कनेक्ट होने चाहिए तो 1.1, 2.2, 3.3 होना चाहिए था ट्रांजिटिव मामला बिगड़ जाता है यहीं पे आगे ट्रांजिटिव में जो गिवन कंडीशन होती बंस वो होती है 2 गिवन कंडीशन 2 होती है आपको कैसी होती है जैसे 2.3 है 3 पे खत्म हो रहा है तो अगला 3 पे स्टार्ट होगा ये 2 कंडीशन गिवन होती हैं आपके पास फिर आप चेक करते हो क्या उसमें 2.4 है अगर है तो ट्रांजिटिव नहीं है तो नहीं लेकिन यार यहां तो एक ही कंडीशन है अब दूसरा चेक करने वाला है ही नहीं अब दूसरा चेक करने वाला है ही नहीं तो ऐसे कहने by default इसको हम क्या कहते हैं ये ट्रांजिटिव है एक बच्चा नाइन्थ क्लास में फेल हुआ दबा के अच्छे नंबर से अब वो आया टेंथ में समझना बात को ध्यान से टेंथ में आया कोरोना आ गया अब बच्चा क्या होगा प्रमोट होगा
भाई नाइन्थ में फेल है, नियम तो यही कहता है कि वो टेंथ में, चलो नाइन्थ में बुरी तरीके से फेल हुआ था, यहाँ पे फेल होगा थोड़े इज्जत के साथ, मान लो 29 नंबर आ गए, 28 नंबर आ गए, लेकिन टीचर उसे फेल नहीं कर सकता। हुए हैं बच्चे, बहुत कम हुए, क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि यार बाय डिफॉल्ट एक कंडीशन है। क्या क्या पता बच्चा टेंथ में सिंसियर हो गया हो, क्या पता नाइन्थ में बच्चा बीमार रहा हो, तो ऐसे केस में बाय डिफॉल्ट केस में हम उसको होशियार मान के पास कर देंगे। क्या बात समझ आ रही, ये होता है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि यार नाइन्थ में फेल हुए, टेंथ में एग्जाम हुए नहीं है, तो आप उसको फेल नहीं भैया करोगे अकॉर्डिंग टू नाइन्थ, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि ये कंडीशन लग गई यहाँ पे। क्या पता टेंथ में हार्डवर्क कर लेता वो, अरे नाइन्थ ये भैया प्राइवेट स्कूल में नाइन्थ में जो अच्छा फेल है सब पास हो जाते हैं, सब पास, कौन कोई नहीं फेल करता है, कोई नहीं फेल, ये फैक्ट है। देखो मैं बात करता हूँ फैक्ट वाली, मैं बात करता हूँ फैक्ट, नियम तो यही कहता है अगर ऐसा होने लगे ना प्राइवेट वाले जेन्युइनली पास करें तो नाइन्थ की आधी जनसंख्या ही टेंथ में जाएगी। मैं फैक्ट बता रहा हूँ, ये ट्यूशन वाले बच्चे पेपर बताते हैं, आजकल शिक्षा का तो शोषण हो रहा है बुरी तरीके से अगर देखा जाए तो, और बच्चे जाल में फंस रहे हैं, और ये फैक्ट उनकी मजबूरी है कि सर हम नहीं जाएंगे उनके पास या कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिकल कुछ नहीं होता यार, नॉलेज हमेशा आपके साथ रहती, नंबर नंबर कुछ नहीं होता है। आप आईएएस के एग्जाम में जाइए, वहाँ कुछ नहीं है, परसेंटेज है आपके 54 हो आपके 55 डजेंट मैटर, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। अब छोटे मोटे जगह ये चल रहा है प्रैक्टिकल में सर नंबर नहीं मिलेंगे इसलिए हम ज्यादा, गलत है, रेस्पेक्ट करो टीचर का, वो करना चाहिए, लेकिन ये सब चीज़ें नहीं कि हम इसलिए जा रहे हैं उनके पास कि यार हमें प्रैक्टिकल में, और टीचर करते हैं ऐसा नहीं है, टीचर करते नहीं है, टीचर दबाव करते हैं, तो उनको टीचर देखो बनना कितना सिंपल है। आपने ट्वेल्थ कर ली, थर्ड फोर्थ के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दो। मैं जब बीटेक फर्स्ट ईयर में था तो मैंने ट्यूशन से ही अपनी बीटेक फर्स्ट ईयर की फीस जमा की थी। तो जब आप किसी बच्चे को आप पढ़ाते तो उसके लिए आप टीचर है, तो टीचर बनना कितना सिंपल है, लेकिन टीचर के पद की जो गरिमा है उसको बनाए रखने के लिए आपको बहुत कुर्बानी देनी पड़ती है ना, ये सब चीज़ें करना पड़ता है। कि एक लालच नहीं है कि यार ये बच्चा आ जाए तो हमें इतने पैसे मिल जाएंगे, और नॉलेज क्या पैसा, बिल्कुल सही है। देखिए अगर आपको यहां से अपनी गाड़ी से अयोध्या जाना है, भैया राम मंदिर बनना बड़ी खुशी की बात है, अयोध्या जाना है, एम आपका क्या है, अयोध्या जाना, लेकिन गाड़ी में पेट्रोल होनी चाहिए तभी तो जाओगे, पास में पैसे होने, आपका एम क्या है, अयोध्या जाना है, लेकिन उससे पहले एम क्या है, आपका पैसे या भैया गाड़ी पेट्रोल वगैरह तो होनी चाहिए ना। ऐसे ही यहां पे पैसा हमें भी चाहिए, आपको भी चाहिए, लेकिन हमारा प्राइमरी एम पैसा नहीं होना चाहिए कि मैं बच्चों में केवल 1000 रुपए देखूं, 1200 देखूं, 1300 वो आगे भैया इतने रुपए आगे, ये गलत है। हमें प्राइमरी एम हमारा हो कि हम इनको बेस्ट नॉलेज दें, फिर पैसा किससे बुरा लगता है, किससे बुरा लगता है। मेरे यूट्यूब पे ऐड आते हैं, इतने बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर ऐड वाला हटा दो हमारी पढ़ाई, क्यों क्यों हटा दें यार, हमें पैसा हर क्यों चाहिए, मेहनत का पैसा ले रहे हो, बिल्कुल गलत नहीं है, वो बिल्कुल गलत नहीं, आप मेहनत का आपका हक है, जहां हक ना मिले वहां लूट सही, और जहां सच ना चले वहां झूठ सही, काम चलना चाहिए आपका, गलत चीज है नहीं। तो ये बहुत चीजें आपको अपनी लाइफ में ना ये अपने अंदर चीजें लानी पड़ेंगी। मैं किसी इस पर एक वीडियो बनाऊंगा, मैं सोचता हूँ कि बहुत गलत चीजें हो रही हैं और हम सब उसमें इन्वॉल्व होते हैं, फंस चुके हैं।